पेट विकार का इलाज यह सीरियल में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। पेट विकार से करीब करीब 6 से 18% लोग ग्रसित है, उनको ये प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भाई बहुत ज्यादा ढकार आना, खट्टी ढकार आना, एसिडिटी होना, अम्ल पित्त होना, ऊपर ऊपर ऐसा पानी आ जाना, पेट फूल जाना, जी मछलाना, उल्टियाँ होना, लैट्रिन बहुत बार जाने लगना या लैट्रिन बहुत सख्त होना और 2-3 दिन लैट्रिन नहीं लगना, पेट में मरोड़, पेट में दर्द होना, पेट बहुत ही फूल जाना, पेट में डिस्कम्फर्ट, ऐसे बहुत सारी तकलीफें पेट की वजह से होती है। मतलब जिनको पेट का प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे तो मुझे बोलते भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया एक बार तो चल जाएगा, मगर पेट का विकार नहीं होना, क्योंकि उससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ, काम धंधा होता नहीं है, काम में मन लगता नहीं है, चिंता लगी रहती है, निराशा डिप्रेशन आते रहता है। अब इसके बारे में काफ़ी सारे थीसिस है, क्योंकि सब तरह की जांच करने के बावजूद भी निकलता कुछ भी नहीं है इसमें। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सोनोग्राफी, गैस्ट्रोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, ब्लड की जांच सब कर लो, कुछ मिलता नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं और तभी भी तकलीफ तो है। तो फिर इसमें करना क्या है? एक तो क्या है कि इसमें मेडिसिन हम देते हैं जिससे लोगों को काफ़ी अच्छा फर्क होता है, और वो मेडिसिन जो है उसमें एंग्जियोलाइटिक है, मतलब एंग्जाइटी कम करने वाली है, डिप्रेशन कम करने वाली है, और उसके साथ साथ पेट में जो मरोड़ आता है उसको रिलैक्स करने वाली गोलियां हैं, जैसे मेबेवेरिन टाइप गोलियां हैं, लिवोसल्प्राइड टाइप गोलियां हैं, मेबेवेरिन, पेंटोप्रेजॉल, लिवोसल्प्राइड, फ्लॉक्सेटीन, आइमिप्रामीन, ऐसे अलग अलग दवाइयां मैं देते रहता हूं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। देखो एक तो पक्का ही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जब टेंशन आता है, बहुत स्ट्रेस आता है, कुछ तो भी ऐसी बात या घटना हो जाती है तो लोगों को फटाक से एकदम लैट्रिन लग जाती है या उनको पेशाब को जाना पड़ता है टेंशन आने के बाद। ये तो क्लियर है कि पेट विकार का मानसिक कनेक्शन है। अभी एक तो ब्रेन को आप रिलैक्स करने के लिए दवाई दो और साथ साथ पेट की भी आंत जो है उसको रिलैक्स करने की दवाई वो काम करेंगी, पेट रिलैक्स हो जाएगा, मोशन साफ हो जाएगा और उसमें उसको अच्छा लगता है। दूसरा है कि मेडिटेशन करो रेगुलरली। आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो वो आपको फायदा दे सकता है। वैसे हिप्नोथेरेपी है, सम्मोहन उपचार, जिससे हम हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स करते हैं और पूरी बॉडी जो है उसको रिलैक्स करवाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए सूचना देते हैं और जिससे भी बहुत फायदा होता है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली हमको दिमाग शांत रखना है और वो जो लेवल्स कुछ ब्रेन में यदि केमिकल्स यदि कुछ कम ज़्यादा हो गए होंगे जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है तो वो भी हमको अच्छे करने के हैं। पेंटोप्रेजॉल, ओमेप्रेजॉल यस कुछ समय के लिए काम करती है। लिवोसल्प्राइड, मेबेवेरिन काम करती है, मगर कभी क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा नींद भी आती है, फिर लोगों को नींद से परेशान हो जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते रहते हैं, इसलिए दवाई आप कितने दिन लेंगे। पेट साफ करने की दवाई यस, लोग बोलते हैं कि हम 30-40 मिनट लैट्रिन में बैठे रहते हैं, पेट साफ होता नहीं है, मगर पेट साफ करने की दवाई लिया तो उससे पेट साफ हो जाता है, अच्छा भी लगता है और आप काम को लग जा सकते हैं। तो इस तरह का ये इलाज है, ये इलाज आप यदि करते हैं, सम्मोहन उपचार, रिलैक्सेशन थेरेपी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है, स्ट्रेस जो आता है, तो ये सब उसका इलाज करना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, हिप्नोथेरेपी, तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें अलग अलग बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारे संपर्क में आप रह सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।